शरद पवार की एनसीपी कांग्रेस में नहीं करेगी घर वापस। दोनों पक्ष बोले बीजेपी प्लांट करवा रही फर्जी खबरें। शरद पवार के एनसीपी गुट को लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बुधवार की सुबह महाराष्ट्र के कुछ टीवी चैनलों पर एक खबर बड़ी तेजी से प्रसारित हुई, जिसमें यह दावा किया गया कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपने गुट का कांग्रेस में विलय करने जा रहे हैं। इस खबर के वायरल होते ही महाराष्ट्र में एक और राजनीतिक भूकंप की बातें लगी। शरद पवार ने पुणे में अपनी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की बैठक बुलाई थी, जिस वजह से इस खबर को बल मिला। दरअसल इस बैठक में विधायक, सांसद तथा पार्टी के बड़े पदाधिकारी शामिल थे। खबर के वायरल होने से बैठक से पहले और बैठक के बाद एनसीपी शरद पवार गुट के नेताओं को बार बार सफाई देनी पड़ी कि उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय का कोई इरादा नहीं है। कांग्रेस में विलय की खबरें निराधार। बैठक के बाद सुप्रिया सुले ने कहा कि कांग्रेस में विलय की खबरें निराधार हैं, हम सिंबल के लिए कोर्ट जाएंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भी इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा कि एनसीपी और कांग्रेस के विलय की खबरें सिर्फ अफवाह है, इस बारे में कोई चर्चा नहीं है। नाना पटोले से यह पूछा गया कि क्या कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई दबाव शरद पवार पर डाला जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि शरद पवार पर दबाव डालने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि हमने आगामी रणनीति को लेकर बुधवार को ही शरद पवार से मुलाकात की थी। महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला खुद शरद पवार से मिले और हम सबने महाविकास अघाड़ी के रूप में ही मजबूती से लड़ने का संकल्प लिया है। खबरें बीजेपी की तरफ से प्लांट की जा रही हैं। शरद पवार के पोते और एनसीपी के विधायक रोहित पवार एनसीपी की तरफ से इस मुद्दे पर सामने आए। उन्होंने भी इस खबर को निराधार बताया है। रोहित पवार ने कहा कि इस तरह की खबरें बीजेपी की तरफ से प्लांट की जा रही हैं। महाविकास अघाड़ी को राज्य में मिल रहे जबरदस्त जन समर्थन के कारण बीजेपी में घबराहट है। वह लगातार इस तरह के परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है कि महाविकास अघाड़ी कमजोर हो रही है, लेकिन बीजेपी जितनी ज्यादा ऐसी कोशिशें कर रही है, महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में उतनी ही ज्यादा मजबूत हो रही है। बीजेपी पर एनसीपी का हमला। बीजेपी पर प्रहार करते हुए एनसीपी ने कहा कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार जीतने के लिए बीजेपी के पास ताकतवर उम्मीदवार है ही नहीं, इसलिए बीजेपी लगातार यह कोशिश कर रही है कि दूसरी पार्टियों के जो मजबूत जनसंपर्क वाले नेता हैं, उन्हें तोड़ा जाए। शरद पवार गुट के कांग्रेस में विलय की खबर उड़ाने का बीजेपी का एक ही मकसद है कि वह लोगों में भ्रम पैदा कर सके।